टॉपिक है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन भारतीय समाज विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन भारतीय समाज विदेशी यात्री, विदेशी का मतलब होता है दूसरे देश का, और यात्री कहते हैं जो यात्रा करता है। नहीं तो पहले ये समझना है कि यात्री कहते किसे। यात्री तो अनेकों प्रकार के होते हैं, मन में एक बात आएगी कि यात्री किसे कहते हैं। तो मनोरंजन के उद्देश्य से अगर कोई व्यक्ति कहीं पर जाता है, किसी शहर के, किसी गांव के, किसी पर्वतीय स्थल के, क्या करता है, यात्रा करता, उसी को कहते हैं। अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं तो यात्री आप नहीं कहलाए, शादी तो मेहमान कर ले कहेगा, बन गया। तो मनोरंजन के उद्देश्य से केवल और केवल क्या हो, मनोरंजन, बिजनेस नहीं, वो तो बिजनेस ट्रिप हो जाएगा। वहां जाएंगे तो बिजनेस वाला मोबाइल मेरा स्विच ऑफ रहेगा, ओनली सेल्फी वाला मोबाइल चालू रहेगा। जगह के बारे में वहां से गाइड को हम पकड़ेंगे, वह गाइड उस जगह के विशेषता के बारे में हमको क्या करेगा, पूरा बताएगा। ये होगा यात्रा, मतलब मनोरंजन के उद्देश्य से किसी जगह के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से जो हम कहीं जाते हैं या भ्रमण करते हैं, तो उसको हम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो हमारे भारत में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, प्राचीन काल में भी विदेशी यात्री आए, मध्य काल में विदेशी यात्री आए, और आज भी विदेशी यात्री आ रहे हैं। तो प्रश्न ये कहता है कि मध्य काल में जो भारत में विदेशी यात्री आया, तो उसने भारत के समाज के बारे में क्या देखा और क्या लिखा, इसी बात का उल्लेख हमें इस पाठ में करना है। तो आपको बता दें कि मध्यकाल में एक नहीं अनेक सारे यात्री आए। पहले तो आपको हमें बताना होगा, समय की बात कर लें तो समय को तीन भागों में बांट दिया गया है। इतिहास के विद्वानों ने समय को कितने भागों बांटा है, तीन भागों में बांट दिया है। एक प्राचीन काल, दूसरा बांट दिया मध्यकाल, तीसरा कर दिया आधुनिक काल। गलत की सही, इस प्राचीन काल भी वर्गीकरण है। मानव ने लगभग 56 लाख वर्ष प्राचीन काल में बिताया, क्योंकि प्राचीन काल से पहले प्रागैतिहासिक काल भी वर्गीकरण है, वो अलग है। हालांकि बीपीएससी टीचर के पाठ्यक्रम में जोड़े हुआ है, क्लियर भी किया नहीं, खुलासा लोग सीधे अपना पढ़ा रहे, अलग बात है, खुलासा करेगा तो देखेगा आएगा। तो हम लोग यहाँ केवल प्राचीन काल को माने, मध्य काल को माने, ये करें। तो प्राचीन काल में जो यात्री आए, सबका उद्देश्य एक नहीं था। गलती सही, कोई यात्री बनकर आया था, प्राचीन काल में कोई यात्री बनकर आया था, कोई छात्र बनकर आया था, क्या जी, कोई साम्राज्य विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी सोच से आया था। गलत सही, कोई राजदूत बनकर आया था। यात्री का आने का कई लक्ष्य होता है। तो प्राचीन काल में एक नाम आपने सुना होगा, मेगास्थनीज, यूनान के थे, और मेगास्थनीज भारत में क्या बनकर आए थे,
राजदूत पर पकड़ आए थे, और यह सिकंदर के सेनापति सेलुकस निकेटर का राजदूत था, और ये मेगास्थनीज भारत में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, गलत से, और उनके दरबार में लगभग 8-10 साल तक रहा इन्होंने। 305 ईस्वी में आया, मतलब ये इनके मेगास्थनीज आया था 305 में बीसी में, और 298 बीसी तक रहा। उसको कहा कि जिसके दरबार में आया तो मर गया, मैं क्यों रहूं, तो 5 साल यहाँ, 3-8 साल रहा ना मेगास्थनीज इंडिया में। कितने वर्ष रहा? 8 साल रहा। क्या वर्ण कराया था? किसका राजदूत? सेलुकस निकेटर का। सेलुकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति था, है ना? सही बात। सेलुकस निकेटर और सिकंदर के बीच एक युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, गलत, सिंध का युद्ध। उस युद्ध का नाम क्या है? सिंध का युद्ध। हाइडस बेस का युद्ध तो हो गया आपका सिकंदर और पोरस के बीच वाला। लड़ाई में सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर हार चुका था। हारने के बाद उन्होंने अपना सारा राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, अपनी बेटी हेलना से विवाह करा दिया, और एक मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर भेज दिया था। ये भी 505 को हाथी दे दिए थे, शायद 500 हाथी दिए थे गिफ्ट में। इंडिया में रहकर मौर्यकालीन समाज के बारे में, मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मोस्ट वीवीआई बात है ये कि इंडिका किसने लिखा? मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमाणिक स्रोत क्या है? लिखा कौन? किनके दरबार में थे ये? साम्राज्यवादी, नाम सुना होगा आपने, सिकंदर। क्या नाम था? सिकंदर। विश्व विजेता के नाम से, विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध है सिकंदर। 356 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया या मकदोनिया में जन्म हुआ था इनका। पिताजी का नाम फिलिप, माता का नाम ओलंपिया, पत्नी रेक्सोना, इनके गुरु का नाम था अरस्तु, जिन्हें राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का ही पिता उनको कहा जाता है। 333 ईसा पूर्व में इन्होंने विश्व को जीतने का सपना के लिए निकल घोषणा किया था कि मैं संपूर्ण विश्व को जीतूंगा 333 में, और 331 ईसा पूर्व में विश्व के जीतने के उद्देश्य सैन्य सेना को आगे बढ़ा दिया। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, यूरोप महादेश के कई देशों को जीतकर इंडिया के सीमा में आए थे, और इंडिया पर इनका अटैक आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व में। लौटने के क्रम में 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। इनके बारे में कहा जाता है जन्म कहीं और लिया, मरा कहीं और, दफनाया कहीं और गया। कौन? सिकंदर। साम्राज्यवादी था, साम्राज्य विस्तार के लिए आया था इंडिया पर, यात्री केवल यात्रा करने कई काम से आया, छात्र कुछ पढ़ने आए थे, चीन के जो भी आया, चाहे वो फाहियान हो, क्या वेन सांग हो या इत सिंह हो, चीनी यात्री था। यह बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने और बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने यहां पर आया था, और यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में तो अध्ययन भी किया था। तो इसको हम क्या कहें, यात्री के साथ छात्र भी था ये। अंदर आकर बैठ जाइए, और यात्री करने के लिए कहा जाए, शब्द यात्री किस श्रेणी में आ जाएगा ना? किस श्रेणी में आ जाएगा? यात्री किस श्रेणी में आ जाएगा? अब सवाल है, ये प्राचीन काल में आ गए, ये प्राचीन काल की बात अगर हम बात कर ली अब, लेकिन हमको पढ़ना क्या है? मध्य काल में। तो मध्य काल में अनेक सारे यात्री भारत भ्रमण पर आए थे, भारत घूमने आए थे, लेकिन पाठ्यक्रम में आप जहां भी जाएंगे 11, 12 बीए में चार को कुछ ज्यादा पढ़ना है, वह चार में एक है अलबरूनी, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा
फ्रांसिस बर्नियर, चौथा टेबर नियर। तो मध्य काल में अनेक यात्री आए, लेकिन प्रसिद्ध यात्री चार हैं, अलबर्नी, इब्न बतूता, फ्रांसिस बर्नियर और टेवर्नियर। अब सवाल है, इन चार यात्रियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। इन चार यात्रियों के बारे में जहां आधुनिक काल में तो बहुत आई जा रहे हैं, जानने से पहले हम जाने कि भारत के भी बहुत बड़े घुमक्कड़ थे। अपने भारत के भी एक बहुत बड़े घुमक्कड़ थे जिनका नाम था राहुल शांकृत्यायन। ये भारत के महान घुमक्कड़ 36 भाषा के विद्वान थे और 120 पुस्तक इन्होंने लिखा था। कितने भाषा के विद्वान थे? 36 भाषा के विद्वान थे। इन्हें भारत का महान घुमक्कड़ कहा जाता है। 120 को किताब इन्होंने लिखा था। बौद्ध धर्म के में इनको ज्यादा रुचि थी और श्रीलंका का एक यूनिवर्सिटी है, श्रीलंका का नाम है विद्यालंकार महाविहार, विद्यालंकार महाविहार, जिसने राहुल शांकृत्यायन को उपाधि दिया था, उस उपाधि का नाम था त्रिपीठकाचार्य। त्रिपीठिका, प्रश्न आ सकता है कि त्रिपीठकाचार्य किसे कहते हैं? तो राहुल शांकृत्यायन किसे कहते हैं? मन में होगा ये त्रिपीठकाचार्य का मतलब क्या होता है। तो जो बच्चे या जो व्यक्ति, देखिए सबको पढ़ने के लिए पहले तो होता है कि सब चीज मिला हुआ होता है, शुरू से नहीं पढ़ेंगे सब गड़बड़ सड़बड़ होगा। एक धर्म है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने उस धर्म की स्थापना किया था और बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है पीटक। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन है? और पीटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। पीटक का मतलब क्या होता है? अब टोकरी का मतलब ये नहीं समझना कि घास काटने वाला टोकरी, हो सकता है दिमाग में ही कुछ चलते रहता है ना, क्योंकि वहां रोटी रखने वाला टोकरी नहीं समझ लेना है, नहीं ज्ञान की टोकरी, किसकी टोकरी? तो पीटक का मतलब क्या होता है? और पीटक है कितने? तीन। नाम है शुद्ध पीटक, दूसरा है विनय पीटक, तीसरा क्या है? अभिधम। और जिस व्यक्ति को इस तीनों पीटक का पूरा पूरा ज्ञान होता है, नहीं देखा दो वेद का ज्ञान तो दुबे जी, चार वेद का ज्ञान चतुर्वेदी या चौबे जी, पांचों का तो पांडे जी, चारों वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद और एक महाभारत, क्योंकि महाभारत को पंचमेद कर दिए। तो हमने कहा जिस व्यक्ति को तीनों पीटक, शुद्ध पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक का ज्ञान हो, उसी व्यक्ति को त्रिपीठकाचार्य कहा जाता है। क्योंकि सर शुद्ध पीटक, विनय पीटक, अभिधम पीटक क्या है? तो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र पुस्तक। इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखी, 120 हमने कहा थे, लेकिन दो किताब फेमस इनका है, एक है घुमक्कड़ शास्त्र और दूसरा हाँ घुमक्कड़ी स्वामी। दो पुस्तक इनका बड़ा फेमस। इन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर रियल में ज्ञान प्राप्त करना है तो जो ज्ञान घूमने से मिलता हो ज्ञान किताब पढ़ने से नहीं मिलता है। किताब तो केवल थ्योरी है और भ्रमण करने से आपको प्रैक्टिकल होते रहता है। पहाड़ जानना है तो पहाड़ को देखो फिर पढ़ो, पता चलेगा पहाड़ कैसा। मिट्टी को पढ़ना है तो मिट्टी में जाके देखो कि मिट्टी का भाई कैसा होता है। वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण करने का क्या है आधार है, यहाँ तो बोले पर सब हो जा रहा है। लड़का तो किताब खरीद लेता है पलटबो नहीं कर, पुरान हो जाती किताब नहीं,
साइकिल खरीदाता था जो खूब पेंट पॉलिश होता है, सुबह पहुंचता है साझो पहुंचता है, जहां पुरान हुआ फिर घायल है उन्हें, है ना ऐसा कहानी सब पर लागू होता है, स्वीकार है बच्चा लोग। घुमक्कर शास्त्र घुमक्करी स्वामी ये हमेशा एक शेर याद रखते थे इस्माइल मेरठी का, मेरठी बहुत बड़े शायर इस्माइल मेरठी भारत के हैं, बहुत बड़े शायर हैं। इन्होंने की बात कहा था कि शायर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहा। इस्माइल मेरठी का है, इनको पसंद था इसलिए हमेशा गुनगुनाते थे। इन्होंने कहा कि दुनिया में अगर कुछ है तो केवल घूमने फिरने में ही है, दुनिया घूमोगे तब दुनिया को क्या करोगे जानोगे। किताब पढ़कर थ्योरी ले सकते हो, जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना तुम्हें बुद्धि नहीं बढ़ेगा, मार्केट में घूमने से ही लगेगा ना कि लोग कौन कैसा होता है, नहीं आपको कौन किस तरीके से बेवकूफ बना सकता है, मार्केट में जाएंगे तब। इन्होंने लिखा ना इस्माइल मेरठी ने कहा ना कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी कर कहा, जिंदगानी कर रही तो, कुछ लोग का मन में कहना होता है अरे अभी कमाने का दिन है खूब कमा लेते हैं, पूरा तो है ही जीवन घूमने फिरने के लिए। तो हमारे गांव में कहावत है कि बूढ़ भय ठाट भारी अब किला तब हो व्यापारी, बुढ़ापा में अपना बॉडी तो सीधा खड़ा होवे नहीं करता है, घूमने का मन हो कहीं पहाड़ी क्षेत्र में धर्मशाला ऊटी कसाई नैनीताल नहीं, घूमने का मन हो तो पहाड़ पर चढ़ाएगा वैष्णो माता मंदिर से जा पाएगा नहीं जा पाएगा, जो करना है जवानी में कर लू, रियल में बुढ़ापा ही आराम का चीज है, क्योंकि घूमने फिरने से ही नॉलेज मिलता है ज्ञान की प्राप्ति होती है, लोग देश विदेश को क्या करते हैं जानते हैं। तो ये इस्माइल मेरठी का कहना गुनगुनाते थे, लेकिन हमको इनको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है चार गो को, कौन अलबरनी इब्न बतूता और देवरनी। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग किसके बारे में, अलबरनी के बारे में। मन में होगा ये अलबरनी कौन था, जन्मा कब था, कहां जन्मा था, इंडिया में कैसे आया, क्यों आया, इन सारी बातों को जानना है। तो सबसे पहले जान ले कि अलबरनी का जन्म मध्य एशिया एक देश है, ख्वारिज्म का देश है के निकट है खीवा, क्या है खीवा में हुआ था यह देश, अफगानिस्तान के आसपास है, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर पड़ता छोटा सा देश है, हाँ जलालुद्दीन मंगलवर्णी ख्वारिज्म के थे, शासक थे वो तो राजा थे ना, इताम आदमी थे, मध्य एशिया के ख्वारिज्म के खीवा नामक गांव में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म, तो 4 दिसंबर 973 को, याद रखेंगे एक बात मैं बार बार बोलता हूं कि आप जैसे लोगों के साथ रहिएगा आप वैसा का बन जाइएगा, नहीं विद्वान के साथ रहोगे तो कितना भी चौपट गवार होने का बुद्धि है तुम्हारे अंदर गुना ही जाएगा, मतलब जैसी संगति वैसी नियति महापुरुषों का कहना है, तो क्यों ना जैसी संगति अगर वैसी नियति है तो अच्छे लोगों की संगति कर ले, नहीं गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है ना कि सठ सुध रही सत संगति पाई, बुरा से बुरा इंसान अच्छे लोगों के संगति में आकर क्या होता है अच्छा बन जाता है सुधर जाता है, नहीं बिगाड़ देता है, बात भी सही है आपका कि अब लोग बिगाड़ देता है, लेकिन एक बात है आप प्रयास करते हैं बिगाड़ने का तो आपको कोई बिगाड़ता है, अगर आप प्रयास ना करें तो बिगाड़ेगा नहीं, नहीं हमने यहाँ के कई शिक्षकों से पूछा कि सर बहुत सीटी बजता आप लोग का, हमारे यहाँ तो नहीं बजाता है, बजाएगा तो बजाने के लायक छोड़ भी नहीं करेंगे, तो सर थोड़ा बीच में मनोरंजन के लिए करें, पढ़ाई में मनोरंजन क्या होता है जी, पढ़ाई को इतना इससे पढ़ाई के मनोरंजन की क्या जरूरत पड़ेगा, शुरू से नया थे पुराने थे ना चलेगा, कभी नहीं ऐसा चला है, एक दिन परीक्षा के तो बार बार करते रहेगा,
तो 4 दिसंबर 1973 को जन्म हुआ, जहां इनका जन्म हुआ था ना, इनके जन्म स्थान की बात करें, उस समय शिक्षा का महान केंद्र था ख्वारिज में, मध्य काल में शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र। हमने कहा ना, जो जेयूनी के सामने चाय बेचता है ना, वो अंग्रेजी फराटेदार बोलता है, वो तीन बार एक भाषा के मुंह से हुई बात सुनबे करता है, बात समझ गए। तो शिक्षा का केंद्र था, एक बहुत बड़े विद्वान, कभी भी थे, बहुत बड़े विद्वान थे, रियल में क्या थे, विद्वान थे। अफगानिस्तान एक देश है, नाम सुने हैं, भारत का पड़ोसी है, भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर, लद्दाख एक केंद्र शासित राज्य है, लद्दाख से इसकी सीमा मात्र 106 किलोमीटर टच करती है, सबसे छोटा सीमा रेखा वाला भारतीय राज्य, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, हमने कहीं पर 106 किलोमीटर ही टच करती है। अफगानिस्तान में छोटा सा जगह है गजनी, क्या नाम है, गजनी। इस गजनी का एक राजा थे, नाम था मोहम्मद, महमूद नाम था, रियल नाम महमूदे था। ये राजा कहां के थे, गजनी के। 997 ईस्वी में इनका राजा अभिषेक हुआ था खलीफा से, तुर्की के खलीफा से इनको खिल्लत की उपाधि भी मिली थी। क्योंकि महमूद गजनी के राजा थे, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ गया महमूद गजनबी। गलत किसे, सत्ता प्राप्त करने के बाद महमूद गजनबी ने प्रण लिया था, प्रतिज्ञा किया था कि मुसलमान धर्म में जो गरीबी है मैं उसको दूर करूंगा और इस्लाम का क्या करूंगा, मैं विस्तार करूंगा। और गरीबी और इस्लाम धर्म के विस्तार के उद्देश्य से, हालांकि अलग अलग विद्वान अलग अलग बात करते हैं, इन्होंने ये नहीं कि केवल इंडिया पर ही किया, महमूद गजनबी ने इंडिया पर 17 बार अटैक किया था। कितने बार, 17 बार। इनकी आक्रमण की शुरुआत 1000 एक से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितने बार, 17 बार आक्रमण किया, रुक रुक के गैप करके। लेकिन ये मतलब नहीं करिए खाली इंडिया पर अटैक करता था, इंडिया के अलावे अगल बगल खारिज अगल बगल के देश पर अटैक कर देखता कि यहां कुछ है लाजित, चलो लूट लेते हैं। नहीं, महमूद गजनवी के कहानी कह दे तो महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर भी आक्रमण किया था 1017 में, इंडिया पर करता था, इसलिए लोगों को कमाने दिया, कमा करोगे फिर हम आएंगे क्या जी, फौसला आएगा था कहां से लेके जाएगा। इस क्रम में अन्य देश का अटैक कर देता था, चलो वहां कुछ बचल होगा लेके चलाते हैं। ख्वारिज्म पर 1017 में अटैक किया था, बहुत लूटपाट किया, बहुत प्रॉपर्टी मिली, रुपया पैसा धन दौलत मिला, और बहुत सारे लोगों को गुलाम बना के बंदी बना कर ले आया था। उस बंदी बनाए गए लोगों में मलवर्णी भी था। 1017 में महमूद गजनवी ने कहां आक्रमण किया, धन के साथ साथ लोगों को बंदी बना के गुलाम बना के लाया, उस गुलाम बनाए लोगों में कौन था, लेके कहां आया, गजनी लाया, डाल लिया सब कारागार में, काम में लगा दिया। नहीं, लेकिन हीरा को चमकने के लिए किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, ये स्वयं स्टार था, कोई उपग्रह थोड़ी था कि तारा का प्रकाश पड़ेगा तब हम चमकेंगे, सूर्य एक तारा है, ग्रह के पास प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह के प्रकाश तो और कहां से होगा, उस सब तारों के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है, पड़ता है, बहुत थोड़ी ना, हम जब लाइट नहीं देंगे जलेगा थोड़ी, हम लाइट देते हैं इसलिए क्या होता है वो जलता है, वही बात है। तो हमने कहा कि अटैक किया, बहुत लोगों को बंदी बना के लाया, अलबरूनी भी बंदी गुलाम बना के लाया गया था, लेकिन अलबरूनी तो क्या था, लायक था, योग्य था, इनकी योग्यता से कौन खुश हो गया, महमूद गजनवी, और गुलामी से इसको क्या कर दिया, आजाद कर दिया। महमूद गजनवी 1025 ईस्वी में इंडिया पर आक्रमण किया,
1025 में 15वां आक्रमण था इनका। कहां पर किया था? सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है, भगवान शिव की मंदिर है। उस समय का सबसे ज्यादा धनी मंदिर सौराष्ट्र मंदिर था। हालांकि महमूद गजनवी ने जब इंडिया पर अटैक किया था कोनो मंदिरों पर लुटा हुआ, क्योंकि मंदिर आस्था का केंद्र था। लोग मंदिर में चढ़ावा राजा महाराजा भी खुद दान दिया करते थे, पैसा कौड़ी की वहां कमी, सोचा कि घर में लुटेंगे तो कम मिलेगा, मंदिर लुटेंगे तो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंडिया के लोग तो धर्म से डरता है, लुटेंगे तो भगवान खिसके आ जाएंगे, हम पर क्या खिसके आएंगे, हम तो विदेशी हैं, हमारे भगवान तो अलग हैं। ये सोच के आक्रमण किया था और रियल मंदिर 50,000 पंडित पुरोहित साधु संतों की हत्या किया था। क्या बताने के लिए? खजाना बताने के लिए बताइए नहीं रहा था, प्राण बचाने के लिए लोगों ने बताया, भयंकर लूटपाट किया, अपार संपत्ति हाथ लगी थी, सोना चांदी के साथ साथ अनेक प्रकार के आभूषण तो ले गए थे। चांदी तो छुटा ही नहीं था, चांदी तो इसका सिपाही था गधा पर घोड़ा पर लाद के ले गया कि राजा सोना चूक के लिए खाने का औकात नहीं, चांदी क्या लगेगा, हम लोग ले चलते। इसी अलमरुनी इसी महमूद गजनवी के साथ 1025 ईस्वी में इंडिया कौन आया था? अलबरुनी इंडिया रियल में आया था 1024 में। कब आया था? किसके साथ? और कैसे सोमनाथ मंदिर को लूटा, पूरी सच्ची दास्तान आंखों देखा विवरण अलबरुनी ने अपने किताब में लिखा। उस किताब का नाम है किताब उल हिंद, अन्य नाम तहकीक आने का सूर्य समंत। इंडिया के बारे में जानने के, इंडिया के दर्शन को जानने का इनका बड़ी इच्छा थी, तो इंडिया में आया। किताब उल हिंद या हिंदुस्तान के खोज के बारे में, कि हिंदुस्तान को मैं विशेष से जानने, हिंदुस्तान की खोज, तहकीक का मतलब होता है खोज, हिंदुस्तान की खोज पुस्तक लिखा। एक और भी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू की है वो, जेल में लिखा था, जेल में लिखा था। ऐसी एक बात कॉमन जान लीजिए, जितने भी महापुरुष है ना किताब जरूर लिखे है, और जो भी किताब लिखे जेल में लिखे, क्योंकि शांति का टाइम वही मिलता था, मंडी में भोजन मिलता था, कलम कॉपी मिलता था, दूसरा क्या काम होगा, चलो किताब लिख देते हैं, किताब लिख देते हैं। और एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की खासियत आप सबके लिए है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ने वाले 99% बड़े नेता अधिवक्ता थे, मैक्सिमम कौन वकील नहीं था, क्योंकि वकील हाँ बड़े बड़े पद पर थे, चाहे नेहरू हो चाहे मोतीलाल नेहरू चाहे सीआर जो भी हो, बड़े बड़े अधिवक्ता थे, वही लड़ते थे। और कोनो गरीब नहीं था, लोग अपना निजी न्यूज पेपर निकाल देते थे, फ्री में बंटवाते थे, पैसा से नहीं, अपने विचारों को फैलाने के लिए। तब पत्रकार और के साथ साथ वकील भी थे सारे, जर्नलिस्ट और एडवोकेट दोनों था, मैक्सिमम दो तिहाई से ज्यादा लोग। एक व्यवहारिक बात बोला हूं, किताब उल हिंद लिखा, लेकिन एक बात था, इनको किताब उल हिंद लिखने में बड़ा दिक्कत हुआ। इंडिया में आए, इंडिया को ये जानना चाहते थे, इंडिया के परंपरा को जानना चाहते, रीति रिवाज को जानना चाहते, बड़ा दिक्कत हुआ। दिक्कत ये हुआ कि भारत, इनको भाषा की विविधता थी, अरबी भाषा, हिब्रू भाषा, सीरियाई भाषा, फारसी भाषा को जानते थे, और इंडिया के लोग तो बज्जी का ना तो संस्कृत जानता था, तो इंडिया में रहकर इन्होंने संस्कृत को सीखा था। नहीं, संस्कृत को पढ़ने वाला, गीता को पढ़ने वाला, पुराण को पढ़ने वाला पहला मुसलमान कौन था? और इन्होंने जो तहकीक हिंद लिखा है, तहकीक हिंद में 80 अध्याय हैं, कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय, और भाषा क्या है? अरबी। इसमें भारत के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, धर्म, खान पान, वेशभूषा, महिलाओं की स्थिति, और यहां तक कि महाभारत की कथा का भी संक्षेप में वर्णन कर दिया, भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को भी क्या कर दिया है, लिख दिया है।
लेकिन किताब लिखने में बड़ा दिक्कत हुआ। दिक्कत यह हुआ कि भाषा की विविधता थी, दूसरा इनका विचार अलग था, भारत के लोगों का आचार विचार क्या था। इसके अलावा धार्मिक पक्षपात, हम धार्मिक पक्षपात बहुत ज्यादा हुआ, भारत विदेशी थे और भारत लोग विदेशी को मलेच्छ कहता था। भारत लोग विदेशी को क्या कहता था? मलेच्छ। मलेच्छ माने अछूत कहता था। हिंदू के पास आत्मगौरव था और विदेशियों को घृणा के दृष्टिकोण से देखते थे, लोग अपने तरफ बगल में बैठने नहीं देता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि देखिए मैं कहा ना कि बहुत समाज में सम्मान पाना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहिए। हम देखते हैं कि आज के बच्चों में एक फैशन चले गए, हम कुछ उदंड लोगों के साथ चलते हैं। एक जो देखेगा ना तो कहेगा अरे यो है नहीं, तुम्हारी गिनती उस दिन से ही हो गई, तू चक्का हो गया, अच्छे लोग तो अपने बगल में बैठने नहीं देगा। तुम्हारे मुंह पर कुछ नहीं गए कोई ये नहीं है, लेकिन तुम्हारी छवि उस दिन से क्या हो गई, पहले जो तुमको अच्छा समझता था कल से तुमको क्या मानेगा बुरा। तब इतना विद्वान अलबरूनी जैसा विद्वान किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ आया। और रियल में महमूद गजनवी को मैं नहीं पूरे विद्वान कहते लुटेरा था। क्या था ये? इंडिया नहीं विश्व कई देशों को लुटा। लुटेरा के साथ आएगा तो लोग इनको विद्वान समझेगा। ताली के दुकान में दूध पिएगा या तालियां पी रहा है? लुटेरा लोग मानता था। तो महमूद गजनवी के साथ आए, महमूद गजनवी लुटेरा था तो अलबरूनी को भी लोग क्या समझता था? चोरवा का दोस्त चोरवे होता, लुटेरा का दोस्त लुटेरा होगा। लोग इसको अपने दरवाजे पर बैठने ही नहीं देता, क्या पता बैठेगा कुर्सी ले भाग जाएगा, अगल बगल में बैठने नहीं देता था। ये दिक्कत थी। लेकिन अलबरूनी पहला व्यक्ति था जिन्होंने भारत के वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और कहा कि भारत में जाति प्रथा नहीं है, छुआछूत की प्रथा नहीं है, लेकिन क्या है? वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण कितने हैं? मैं आप लोग जानते हैं कि वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, चुनना। जिस व्यक्ति ने जिस व्यवसाय को चुन लिया वही व्यवसाय के आधार पर उसके वर्ण का बने जाति का निर्धारण हो जाता था। वर्ण चार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये चार वर्ण है। अलबरूनी ने भी लिखा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से, शूद्र की उत्पत्ति पैर से। शूद्र कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण या क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, उसका व्यवसाय के अनुसार तय कर दिया। तो गलत काम करोगे शूद्र कहलाओगे, पढ़ोगे लिखोगे पंडित कहलाओगे, शस्त्र लेकर समाज की रक्षा करोगे क्षत्रिय कहलाओगे, बिजनेस करोगे तो वैश्य कहलाओगे। अब तो जन्म का हो गया, जन्म कर्म के आधार पर अब तय क्या हो गया। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा किया, भारत की महिलाओं के बारे में चर्चा किया, भारत के सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा किया। इतना ही नहीं, भारत की इन्होंने सती प्रथा, जौहर प्रथा और नियोग प्रथा के बारे में भी चर्चा किया। क्या जी? सती प्रथा, पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जलाने की परंपरा को सती प्रथा कहते हैं। और सती प्रथा की शुरुआत किस काल में हुई थी? गुप्त काल में, और 510 ईस्वी में यह परंपरा देवगुप्त के चलता, लेकिन भानुगुप्त के सेनापति देवगुप्त उसी की पत्नी पहली बार सती हुई थी युद्ध में, प्रमाण वहीं से मिलता है। और 1829 में कब? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अंग्रेजों के जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को हटा दिया। मैंने 1829 के बाद महिलाओं को जलने उलने की जरूरत नहीं है। जौहर प्रथा यह केवल राजपूतों में थी, राजा जब लड़ाई में हार जाते थे तो उनके घर की महिलाएं चिंता अपने आप को आग में कूद कर जला देती थी, जैसे पद्मावती फिल्म में दिखाया गया होगा, चिंता आग में कूद कर अपने आप को जला लेती थी, जौहर प्रथा। नियोग प्रथा, पति के मर जाने के बाद शादी हुई, तुरंत पति मर गए तो अपने पति के भाई के साथ संभोग करके शारीरिक संबंध की स्थापना करके एक बच्चा पैदा करने की जो परंपरा थी हमारे समाज में, उसको नियोग प्रथा कहते हैं। इन सारे परंपरा के बारे में लिखा, लेकिन कहा कि भारत में पर्दा प्रथा नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, भारत लोग बहुत अच्छे थे।
दूसरे यात्री की बात करें, मध्यकाल में एक और यात्री आए, उस यात्री का नाम क्या है? इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता रियल में अफ्रीका, कौन देश? अफ्रीका के मोरक्को में, कहा? मोरक्को में, कौन नगर में? तेंजियर नगर में, 1304 ईस्वी में। अफ्रीका के मोरक्को के तेंजियर नगर में 1304 ईस्वी में इब्न बतूता का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इब्न बतूता, अरब के थे। ये भी अरबी भाषा के बहुत बड़े विद्वान। किस भाषा के? देखिए, इनका नाम तो अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन इब्न बतूता, इब्न बतूती खानदान में इनका जन्म हुआ, इसे खानदान का नाम क्या था? इब्न बतूती कुल में पैदा हुए, इसलिए इन्होंने अपना नाम रख लिया इब्न बतूता। क्या जी? और आपको बता दें, इनका जन्म एक खानाबदोश परिवार में हुआ था। खानाबदोश, खानाबदोश मतलब भोजन की तलाश में यत्र तत्र घूमने वाले को खानाबदोश कहते हैं। खानाबदोश परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके परिवार बहुत पढ़ा लिखा था खानाबदोश होने के बावजूद भी, क्योंकि इनके परिवार में कई काजी के रूप में काम किया। इनका मन में बचपन से झटपटाहट थी कि हम खूब घूमे देश। किसी तरह से 21 साल की उम्र तक पैर में जंजीर बना के रखा, और 1325 की कहानी है। कब की? मैंने कई साल हो गया, 21 वर्ष, 4 में जन्म हुआ, 25 में। विद्वान लिखते हैं कि जैसे पक्षी घोंसला को छोड़कर उड़ जाता है, वैसे इब्न बतूता विश्व को भ्रमण करने के लिए अपने घर का खो दिया। क्योंकि धर्म का क्या था, ये मुसलमान था, इसलिए सबसे पहले कहां पहुंचा? मक्का मदीना। मक्का पहुंचा 1331 में, पैदल, साइकिल मोटरसाइकिल टायर गाड़ी से ना, पैदल। लगभग इब्न बतूता अपने जीवन काल में जितना पैदल यात्रा कर लिया, आज तक किसी विद्वान ने उतना पैदल यात्रा नहीं किया। 1331 में मक्का की यात्रा की, मदीना का दर्शन किए, और 15 अगस्त शुरुआत किया, 1331 में यात्रा की शुरुआत किया। कहां से? मक्का से किया था ना। और कई देशों का भ्रमण करते करते सिंधु नदी को कब का पार किए? बोलो, फरवरी 1333 को, 34 ठीक है, 33 है, फरवरी 1333 में सिंधु नदी को पार किए, सही। और 20 मार्च को, 1300 कब, कहां पहुंचे? नहीं, दिल्ली। इस समय दिल्ली के राजा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के राजा थे। मैं पिछले क्लास में बोला था कि दिल्ली का सबसे विद्वान राजा, धनवानों का राजकुमार, रक्त पिपासु, हाँ, स्वप्नशील विश्व कहा जाता है। और दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके मरने पर? इसी मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पर एक विद्वान लिखा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। इन्हीं के दरबार में पहुंचा था बदायूं जी, कहा था। दोनों ने वार्तालाप किया। कबीरदास का बात याद है ना, कि आदमी से आदमी मिले तो हुए दो दो बात, गधा से गधा मिले तो मारे दो दो लात, या हुए दो दो लात।
क्योंकि ऑलरेडी मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बड़े विद्वान थे और इब्न बतूता भी विद्वान थे, दोनों बैठ कर आपने समझ आधा घंटा वार्तालाप हुई, ये समझ गया कि हमारा से कमजोर नहीं है, इसको अपने दरबार में रखने का फायदे फायदा है। क्या जी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तुरंत आनन फानन में कह दिया, तू क्या बन गए हमारा काजी, पूरे दिल्ली कैसे काजी बना दिया। और काजी के पद पर कैसा रहे 8 साल, काजी के पद पर कई साल रहे 8 साल काजी के पद पर रहा इन्होंने। कहा जाता है कि अपने यार इनके यात्रा विवरण का नाम क्या है, रेहला, क्या नाम है, है ना रेहला। हालांकि इब्न बतूता ने अपना यात्रा विवरण खुद नहीं लिखा है, एक इतिहासकार था इब्न जुजय नामक विद्वान ने लिखा, लेकिन नाम रेहला नहीं था, अजाइबुल रफ्सार था, अजाइबुल अफसार के नाम से। लेकिन इतिहासकार थे मेहदी हसन एक इतिहासकार थे जिन्होंने अजाइबुल अफसार का नाम क्या रख दिया, रेहला। और नाम इनका हटा कर कहा कि नहीं भाई लेखक, क्यों कहा तो ये तुम लिखे वाला क्या किए हो, टाइपिंग ना किए हो, इनका नाम आएगा भाषा क्या है, अरबी भाषा। नहीं यात्रा विवरण आत्मा कथा क्या होगा, ये तो ऑलरेडी यात्रा विवरण है ना भाई। आपको बता दें 1341 की कहानी है, चीन का एक राजा थे, नाम था तोगन तिमूर, क्या नाम था, तोगन तिमूर चीन के राजा थे। 1341 में अपने एक दूत मंडल मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भेजा और उनसे आग्रह किया कि महाराज हिमालय के क्षेत्र में बहुत बौद्ध मंदिर क्या है, टूटा फूटा है, हम उसका पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके क्षेत्र में पड़ता है, तो आपको क्या दीजिए, परमिशन दीजिए, आज्ञा दीजिए, ताकि मैं उसका क्या कर सकूं, पुनर्निर्माण कर सकूं। मोहम्मद तुगलक ने तुगन तिमूर को आदेश दे दिया कि हिमालय के क्षेत्र में जो मंदिर है उसका निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक क्या देखा कि चीन के राजा ने मेरे यहां राजदूत भेजा, रिलेशन को बढ़ाना चाहता है, तो क्यों ना हम भी अपना राजदूत भेज दें। तो 1342 की कहानी है, एमबीटी ने किसे, बतूता को अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा, चीन भेजा, कहां भेजा, हालांकि समय तोगन तिमूर अपने दरबार में नहीं था, किसी विदेश भ्रमण पर राजा थे, क्या हुआ थे, निकले थे, कुछ दिन रहे वहां, 1347 में लौटकर भारत आए तो एमबीटी के दरबार में नहीं गए, सीधे कहां चले गए, अपन देश मोरक्को चले गए, वहां गए तो राजा ने इनसे प्रश्न किया था कि तुम घूमे तो क्या ये किए, बताओ, कहा हम तो लिखे ही नहीं। एक प्रश्न आप लोगों ने नहीं किया है कि सर विदेशी यात्री आया तो लिखा क्या हो, यहां तो घूमने आया, हम लोग तो घूमने आते खाली सेल्फी लेते हैं, यहां घूमने आते किताब का लिख दिया, तो इसलिए लिखा क्योंकि जब घूम के अपना देश में जाएगा और देश के लोग इससे प्रश्न करेगा कि तू वहां क्या देखा, देता बात याद रहेगा, अपने देशवासियों को भारत के बारे में जहां जहां घुमा उन जगहों के बारे में बताने के लिए लिखा कि जाएंगे तो भारत की विशेषता के बारे में, भारत की खासियत के बारे में क्या करूंगा मैं, मतलब बात समझ आ रही, नहीं नहीं क्या कहा हम तो लिखे ही नहीं, घूमते फिरते रह गए, क्या लिखिए, तो कहा कि अब हमारी यहाँ सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि अपने जीवन काल में 1.5 लाख किलोमीटर पैदल यात्रा किया था, इतना पैदल चलने वाला उससे पहले और आज तक कोई यात्री नहीं हुआ। तो कहा कि तुम बोलो किसी से लिखवाऊंगा, तो राजा के आदेश से इब्न जुजय ने लिखा और इन्होंने बोला नाम दे अजाइबुल अफसार, बाद में कहा निकाल दे मेहदी हसन ने नाम दे दिया रेहला। और 1377 में अफ्रीका के फेज नगर में इनकी क्या होती है,
ये इब्न बतूता की बात करूं, यहाँ भारत के पहला, भारत आने वाले पहला विदेशी था जिन्होंने भारत के कृषि के बारे में, नहीं फसल के बारे में, डाक के बारे में, सती प्रथा के बारे में और सड़क के बारे में चर्चा किया। भारत के सड़क व्यवस्था के बारे में उल्लेख इब्न बतूता, सती प्रथा इब्न बतूता, डाक व्यवस्था के बारे में इन्होंने कहा कि भारत में दो प्रकार की डाक प्रणाली थी, एक घोड़ा वाला और एक पैदल। पैदल को दाबा कहा जाता था और घोड़ा वाला को उलूक कहा जाता था, और चिट्ठी घोड़ा पर भी ढोआता था जिसे उलूक कहा जाता था और पैदल वाला को दाबा कहा जाता था। कृषि माने खेती बाड़ी के बारे में अच्छा दिखा, सड़क के बारे में अच्छा लगे, सड़क साफ सुथरा थी, दोनों किनारे वृक्ष लगे थे, सराय बने थे, लेकिन फसल के बारे में खूब प्रशंसा किया, लेकिन एक अजूबा था इनके लिए, पान सुपारी और नारियल। इन्होंने कहा कि भारत के लोग ऐसे हैं जो पान है तो वहां के लोग पूछते कि पान क्या होता है, क्योंकि मोरक्को का मैं पान कोई जानता नहीं, कहा कि अंगूर के लता के समान करता क्या है, तो उसको मूल जरा लगा देता है आ कुछ सुपारी वहां नहीं मिलता, तो सुपारी का समान होता कहा जायफल, किसके समान। मन इब्न बतूता ने पान की तुलना किसे किया, अंगूर लता से, और सुपारी की तुलना रह के खाता है, मुंह लाल होता है तो करता है, बाकी कुछ होता नहीं। इंडिया में ऐसे भी है कि कुछ लोग न फल देता है न फूल देता है, खाली पत्ता की खेती करता है, सागो सब्जी पर बंदा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कीमत अच्छा दे के जाता है वो था। नारियल के बारे में तो टेंशन में आ गया था, कहा ये तो स्वर्ग का फल है, धरती का ये फल है ही नहीं, क्योंकि इनको ये था कि देखने में बाहर से कठोर लकड़ी के समान दिखता है, अंदर फोरो तो मनुष्य के खोपड़ी के समान प्रतीत होगा, और फोरो तो क्या होगा, उजला फल और पानी निकलेगा। ये परेशानी में थे कि आखिर इतना सूखल में पानी अंदर कहां से आ गया, रखा कैसे होगा। तो इसलिए नारियल की तुलना किसे कर दिया, स्वर्ग से कर दिया, और मानव के स्वर्ग का वृक्ष माना और मानव के सिर से तुलना कर दिया। तो आज यही रहने दीजिए, ज्यादा हो गया।